And I'm very pleased to share that one of the first steps we're employing to help overcome this challenge is that IRCC is in the midst of a hiring spree, and by the end of this fall, I'm pleased to announce, we're going to have hired more than 1,250 new staff to the department to help boost processing capacity. Canada ke immigration minister ne yesterday ek press conference hai jo theek hai वो की और उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने सामने लेकर आई. डे बाय डे जो इमिग्रेशन के इश्यूज हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो प्रोसेसिंग है, चाहे वो ओल्ड एप्लीकेशंस है, फैमिली क्लास की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, या जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो TR2 PR प्रोग्राम वाले, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे. आज से कुछ समय पहले एक मैंडेट लेटर इश्यू किया गया था इमिग्रेशन की तरफ से, ठीक है जी. तो रिसेंटली कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, और सितंबर मंथ में स्पेशली आने वाले मंथ में बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से. जो लोग भी कनाडा जाने के बारे में सोच रहे हैं, जहां आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, कनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम टोटली रिफॉर्म होने वाला है. जो लोग रिजल्ट्स के लिए बड़ा टाइम वेट करते हैं, अब आपकी जो वेट है, ठीक है, वो कम होने वाली है. और आने वाले 3-4 मंथ्स में आप देखेंगे कनाडा का एक नया इमिग्रेशन सिस्टम होगा. प्री कोविड जैसे एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल जो प्रोसेस हो जाती थी, ठीक है, 3 बड़े चेंजेस कनाडा करने वाला है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, इफ यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो फॉर वेरी फर्स्ट टाइम, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन. किसी भी तरह की वीजा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, स्टूडेंट वीजा SOP में की हेल्प चाहिए, IELTS में स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन सेशन, देन यू कैन ज्वाइन अस. तो रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने की, ठीक है जी, उसमें सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो था बैकलॉग, क्योंकि डे बाय डे बैकलॉग इंक्रीज हो रहा है और कनाडा की एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रेपुटेशन है, बट उस रेपुटेशन को भी हमें कह सकते हैं कि ठेस पहुंच रही है. बट लोगों के लिए एक रे ऑफ होप कैसी है, कनाडा ने फर्स्ट जो बड़ा चेंज करना है इस फॉल में, जो नए वीजा ऑफिसर अपॉइंट करने हैं. आपको पता होगा कि मई 2022 में, आज से कुछ मंथ पहले, कनाडा ने अनाउंसमेंट की थी कि 500 प्लस नए वीजा ऑफिसर वो अपॉइंट कर रहे हैं. उसके बाद यूक्रेन क्राइसिस की भी काफी ज्यादा एप्लीकेशन थी, बट रिजल्ट कुछ हद तक फास्ट हुए थे, हमें ये चीज माननी पड़ेगी, ठीक है, काफी ज्यादा कैटेगरीज में. अब कनाडा ने बैकलॉग के इश्यू को देखते हुए नए वीजा ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, और जो नंबर है 1200 प्लस वीजा ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट करने हैं. डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ठीक है, और एक बैकलॉग के बारे में उन्होंने बड़ी अपडेट ये दी है कि जो बैकलॉग का लॉट है उसको वो अलग से प्रोसेस कर रहे हैं. मींस दे आर जस्ट आल्सो फोकसिंग ऑन न्यू एप्लीकेशन एज वेल, बट जो ओल्ड एप्लीकेशन है, बैकलॉग की एप्लीकेशन है या उनका लॉट है, उनके ऊपर वो पर्सनली अलग से वर्क कर रहे हैं. और दिसंबर के बाद बैकलॉग का, जैसे कोविड से पहले आपने बैकलॉग शब्द नहीं सुना था, IRCC इस चीज को कमिट कर रहा है कि दिसंबर के बाद है जो बैकलॉग वर्ड आप नहीं सुनेंगे. तो आने वाले 2-3 मंथ में प्रोसेसिंग फास्ट होगी. जैसे 500 वीजा ऑफिसर नए अपॉइंट किए थे, अब ऑलमोस्ट डबल से भी कुछ नंबर्स ज्यादा हैं, तो इस चीज का इफेक्ट जरूर पड़ेगा इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर और रिजल्ट डेफिनेटली फास्ट होंगे. दूसरी चीज, स्टूडेंट वीजा एक हमेशा एक कह सकते हैं कि टॉक का विषय बना रहा है, चाहे उसकी प्रोसेसिंग हो, ठीक है, चाहे उसके रिजल्ट्स हो, अप्रूवल रिफ्यूजल. तो कनाडा के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए न्यू TR2 PR प्रोग्राम, जैसे पहले कनाडा ने कोविड के दौरान इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि इमिग्रेंट्स की कंट्री है कनाडा, कनाडा को इमिग्रेंट्स की जरूरत है. आने वाले दिनों में जो रिटायरमेंट्स का नंबर है वो भी इंक्रीज होने वाला है, तो ऐसे लिए अगर प्री प्लान होके चलेगी कंट्री, देन इट गोना बी डेफिनेटली वर्क फॉर कैनेडियंस एज वेल एज देयर इकोनॉमी. तो उन्होंने ये चीज कही है कि जो सितंबर में एक नया प्रोग्राम वो इंट्रोड्यूस करने वाले, जैसे TR2 PR पहले आया था उस तरह का प्रोग्राम, तो आप अपनी प्रेपरेशन रखें, क्योंकि मई में 120 डेज का टाइम मांगा था, ठीक है जी, IRCC ने और इमिग्रेशन के जो लोग हैं. आने वाले दिनों में उस चीज के ऊपर भी उनको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, और उन्होंने एक हिंट दिया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दैट आने वाले दिनों में कैसा वो प्रोग्राम होगा, उस चीज के बारे में वो डेफिनेटली जो है अनाउंसमेंट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि $1 बिलियन इंडस्ट्री है, स्टूडेंट्स के हक में हमेशा कनाडा रही है. बट रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, वो प्रोफाइल बेस्ड भी होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं.
उसके बाद कनाडा में जो अनडॉक्यूमेंटेटेड वर्कर है जो आउट ऑफ स्टेटस हो चुके हैं, मान लीजिए कोई इलीगल वर्कर्स कह सकते हैं हम उनके, उनके लिए कनाडा डेफिनेटली एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि उन्होंने कहा कि दैट इनका इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है, ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली रोल ना हो इनडायरेक्टली भी उनका काफी ज्यादा बड़ा रोल है, तो उनके लिए नए प्लान्स लेकर आ रहे हैं कैसे वो अपना जो स्टेटस है उसको लीगलाइज कर सकते हैं, कैसे वो लीडिंग टू पीआर अपनी जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस कर सकेंगे। ये जो अनडॉक्यूमेंटेशन वर्कर वाली अपडेट है उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिटी इस तरीके से नहीं दी है, बट कोई डेट तो नहीं बताई है, बट आने वाले दिनों में डेफिनेटली अनाउंसमेंट जरूर आएगी, क्योंकि मैंडेट लेटर जो लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था कनाडा ने उसका एक ये पार्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद जो बिल C-19 है, एक बड़ा मुद्दा है कि दैट ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉ कनाडा इंट्रोड्यूस करेगा, बट फिलहाल के लिए कनाडा ने ये चीज़ कही है कि अर्ली 2023 में कनाडा उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करेगा, बट अभी वो चीज़ रुकी हुई है, तो जैसे नॉर्मल ड्रॉस चल रहे हैं वो ही चलेंगे आने वाले समय के लिए। तो ये थी कुछ अपडेट कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम की, ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी अपडेट्स हैं, नए वीज़ा ऑफिसर अपॉइंट करने हैं, डेफिनेटली इट गोना बी वर्क फॉर एवरीवन। आफ्टर दैट जो उन्होंने कहा है कि दैट स्टूडेंट वीजा के लिए नया प्रोग्राम आना है वो भी अच्छा है, तो सितंबर मंथ कुल मिलाकर खास हो सकता है, और प्रोसेसिंग जो सितंबर में फास्ट होनी है वो मिड ऑफ सितंबर के बाद हमें ये चेंजेस इंप्लीमेंट होने को मिलेंगे। और एक जो बड़ी बैकलॉग के बारे में और अपडेट है कि बैकलॉग के बारे में एक ट्रैकर कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। रिपोर्टिंग सिस्टम मीन्स के कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग है, हो सकता है वो डेली बेसिस के ऊपर अपडेट आए या वीकली, जैसे अभी हमें कुछ ऑफिशियल सोर्सेस हैं या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे पता लगता है कि बैकलॉग कितना बड़ा हो गया है या कितना डिक्रीज हुआ है, एक दो मंथ बाद अपडेट आती है, बट आप रेगुलर बेसिस के ऊपर वो चेक कर सकते हैं कि कितनी नई एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस हुई है और कितनी एप्लीकेशन जो है पेंडिंग है, कितनी इस मंथ प्रोसेस हुई। इस तरह का एक रिपोर्टिंग सिस्टम कनाडा लेकर आ रहा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए, ताकि जो लोग जो अपनी एप्लीकेशन है उनको ट्रैक कर सके और आने वाले समय के लिए वो प्लानिंग भी कर सके। इसके साथ साथ जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप की एप्लीकेशन है जिनको पहले 1.5 साल 2 साल लग जाते थे उनको भी अंडर 12 मंथ उन्होंने कंप्लीट करने का एक टारगेट रखा है, और जो न्यू एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन है उनको भी विद इन 6 मंथ, दे आर जस्ट होपिंग दैट के ज्यादा से ज्यादा जो एप्लीकेशन है 6 मंथ के बिटवीन वो उसको कंप्लीट। और बैकलॉग से कुछ हद तक कनाडा डील भी कर चुका है, क्योंकि कनाडा ने कहा था कि जब बैकलॉग 50% के करीब हम टैकल करेंगे तब ही जो ऑल प्रोग्राम्स ड्रॉ है, जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ है जो लास्ट ईयर से कह सकते हैं कि क्लोज थे, वो भी कनाडा ने रीइंट्रोड्यूस किए। बैकलॉग के साथ इशू कनाडा डील कर रहा है, बट जो नंबर ऑफ द सबमिशन है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, इसीलिए हमें लगता है कि जो बैकलॉग का नंबर है कनाडा से डिक्रीज नहीं हो रहा है, बट आने वाले दिनों में चीजें बहुत ही चेंज हो सकती हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स रिगार्डिंग कैनेडियन इमिग्रेशन। वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।